नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है संग्राम विलेज चैनल में। और ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है दक्षिणी कोयल नदी। और इस दक्षिणी कोयल नदी में पूरा बाढ़ आया हुआ है, तो आइए इस बाढ़ का आनंद लिया जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरा बाढ़ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आज है 17 अक्टूबर 2024 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। और दो दिन लगातार खूब बारिश हुई है हमारे यहाँ, तो ये देख सकते हैं पूरा एकदम बाढ़ आया है। और ये जो देख पा रहे हैं, ये है पुराना पुल जो पानी में डूबा दिख रहा है, और ये है नया पुल, ये फ़िलहाल बना है, एक दो साल हो रहा है। और ये है रांची लोहरदगा मुख्य पथ, इधर से भंडरा बेड़ो होते हुए इधर से रांची ये रोड चली जाती है, और एक रोड है जो लोहरदगा से निकलती है और वो कुड़ू मांडर बिजू पाड़ा होते हुए रांची ले जाती है। तो हम लोग ज़्यादातर इसी रोड से आते जाते हैं, और मेरा गांव इस नदी के नीचे है, नीचे गांव में पड़ता है दत्री, वहां का भी मैं ये वीडियो दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं खूबसूरत पानी का बहाव, और बिल्कुल ही मनोरम दृश्य। और अभी मैं आ गया हूँ दोस्तों, ये हम लोगों का ये पुराना पुल अंग्रेज जमाना का बना हुआ, वहाँ पर मैं आ गया हूँ, और वहाँ से ये नया पुल का नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देखिए पानी कैसे उछलते आ रहा है, और अभी मैं ये पुराना पुल में इस ओर से उस ओर पैदल जा रहा हूँ, और बीच बीच में आप लोगों को पानी का जो लहर है उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। और लोग बोल रहे थे कि रात में इस पुल में पानी चढ़ गया था पूरा, और अभी तो सुबह हो चुकी है इसलिए उतर चुका है पानी। और जब ये नीचे में जो मैं ये नया पुल दिखाया वो जब नहीं बना था, तो हम लोग इसी रोड से आते जाते थे, और इसी तरह से ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण इसमें पानी भर जाता था, और ये जो पिलर दिखाई दे रहा है वहाँ तक पानी हो जाने के बाद भी लोग रोड क्रॉस करते थे। और एक बार यहाँ एक दुखद घटना हुई थी, एक मरीज को लेके इधर से लोहरदगा के साइड से बोलेरो आ रही थी, और पानी ज़्यादा था, पानी ज़्यादा होने के कारण वो बोलेरो को ये पानी पूरा बहा ले गया था। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पानी का लहर, बिल्कुल देखने से डरने जैसा लगता है, बीच में जाने से भी डर लगने लगता है, लेकिन हम लोगों को उतना डर नहीं लगता है, हम लोग तो नदी किनारे वाले आदमी हैं, अगर किसी तरह से यहाँ गिर भी गए तो हम लोग निकल जाएंगे कोई देर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रात में जो ज़्यादा बाढ़ आया था तो पानी चढ़ गया था, और अभी मैं पूरब से चलते हुए रोड की ये पश्चिम की ओर आ रहा हूँ, और अभी मैं फिर से वापस आ रहा हूँ इधर पूरब की ओर। और दोस्तों अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैं अभी इस पुराना नदी के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हूँ, और ये देखिए दोस्तों पानी का खतरनाक लहर, बड़ी डेंजर दिखाई देता है, पूरा स्पीड में चल रहा है पानी। आए भाई वाह, और यहाँ लोग मछली उछली मिला था, तो देख सकते हैं दोस्तों इधर चल रहा है पूरा बाढ़, और इधर मछली मराई भी चल रहा है। और मैं पैदल इस पुल को क्रॉस कर गया, और मैं दूर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ पुराना पुल को, और यहाँ
पानी टंकी है, यहाँ से पीने का पानी का सप्लाई किया जाता है। और अभी मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ से चल के इस खूबसूरत बाढ़ का नज़ारा को देखने का प्रयास करता हूँ, और साथ साथ आप लोग भी देखिए और इस प्राकृतिक बाढ़ का दृश्य का मजा लीजिए। ये पूरा गोल है, मैं एक चक्कर लगा लिया हूँ इसका। और ये पानी का तेज बहाव पुराना पुल के नीचे, थोड़ा थोड़ा नहीं सटा है, और एक फीट पानी बढ़ गया, एक दो फीट तो पूरा पुराना पुल के ऊपर आ जाएगा पानी। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने ये वीडियो में जो देखा वो रोड से वो सीठियों पुल था, और ये मेरा गांव है दत्री, और सीठियों के नीचे मेरा गांव पड़ता है दत्री। तो इधर मैं बकरी लेकर अभी इधर आ गया हूँ, और जो कल हम लोग कल परसों यहीं पर इसी नदी में कर्मा का विसर्जन भी किए थे यहीं पर। तो ये है दोस्तों मेरा गांव दत्री, और मेरे गांव से होकर भी ये दक्षिणी कोयल नदी बहती है। और अभी मैं इधर बकरी लेके आ गया हूँ, मेरी बकरियाँ चर रही है कोयल नदी किनारे, और यहीं पर मैं इस बाढ़ का, इस दक्षिणी कोयल नदी का वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। यहाँ भी काफ़ी स्पीड पानी है, और प्रतिवर्ष हम लोग यहीं पर ये कर्मा विसर्जन करते हैं, इस साल भी किए दो दिन पहले। और ये देखिए बिल्कुल ख़तरनाक दिखाई दे रहा है, और इससे ऊपर हम लोगों का चित्री डांडू पड़ता है।